अच्छा, ये नोट कर लिया। तो आप इसमें रीजन पे बात कर रहे हैं, रीजन क्या हो सकती है? मतलब कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में डिफरेंस आने की क्या रीजन हो सकती है? एरर हो गया, आप एक रीजन तो हो गई एरर। जब एरर हमसे भी हो सकता है और बैंक से भी हो सकता है, और क्या रीजन हो सकती है? बैंक ने नहीं कुछ चार्जेस लगा दिए, नॉर्मल चार्जेस। अच्छा, बैंक चार्जेस की वजह से हो सकता है रीजन? अब हमें कब पता चलता है कि बैंक ने कब कितने चार्जेस डिडक्ट किए? स्टेटमेंट मिलने के बाद, ठीक है। अच्छा, तो रीजन लिखते हैं आप, डिफरेंस आने की क्या रीजन हो सकती है? अच्छा, पहले से रीजन तो हो गई आपकी एरर। पहले रीजन क्या है? एरर। तो अच्छा, अब एरर हमसे भी हो सकता है कैश बुक में और बैंक से भी हो सकते हैं, और किसी भी टाइप का एरर हो सकता है। ऑमिशन हो सकता है, रिकॉर्ड कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर ली, किसी और कस्टमर की ट्रांजेक्शन थी हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई, हमारी ट्रांजेक्शन किसी और के अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई, कोई भी एरर हो सकता है, कुछ भी। बिल्कुल ठीक है। एरर्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं। सेकेंड रीजन है जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। अच्छा, अब ये कौन से ट्रांजेक्शन होंगी? ये वो ट्रांजेक्शन जो बैंक रिकॉर्ड कर चुका है, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो चुकी है, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की। बैंक रिकॉर्ड कर चुका है, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैंक चार्जेस हो सकते हैं। अब बैंक चार्जेस पहले कौन रिकॉर्ड करेगा? बैंक रिकॉर्ड करेगा। हम कब रिकॉर्ड करेंगे? स्टेटमेंट मिलने के बाद। तो डिफरेंस आएगा बैलेंस में, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, अभी आगे जाके आप लोग बोलेंगे ये बात, कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसका मैं एसएमएस आता हूँ, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। देखिए, बिजनेस में एसएमएस में नहीं चलते, वहां पे हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स। जब तक आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलता तब तक आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता। दूसरी बात, आपके एक बिजनेस है तो उसमें अकाउंटेंट चेंज भी होते रहते हैं, कि हर बार अपने अकाउंटेंट का मोबाइल नंबर देंगे? नहीं, तो एसएमएस को ध्यान से निकाल दीजिएगा, ठीक है। बिजनेस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी डॉक्यूमेंट्स की बेस। अच्छा, तब इसके रीजन लिख लेते हैं, फिर क्या आ सकता है? अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन में बैंक चार्जेस हो गए, बैंक इंटरेस्ट, डिसऑनर चेक या बाउंस चेक, पहले डेबिट पेमेंट, पेंडिंग ऑर्डर पेमेंट, क्रेडिट ट्रांसफर। अब ये क्या होते हैं? बैंक चार्जेस तो पता ही आपको, बैंक चार्जेस होते हैं। बैंक जो है वो डिफरेंट टाइप के चार्जेस डिडक्ट करता रहता है, चेकबुक चार्जेस हो गए, और तो बैंक इंटरेस्ट। बैंक से जब हम ओवरड्रॉ करते हैं, बैंक ओवरड्रॉ, उसमें हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो बैंक ने कब कितना इंटरेस्ट चार्ज किया, ये हमें कब पता चलेगा? स्टेटमेंट मिलने के बाद। तो बैंक इंटरेस्ट पहले बैंक रिकॉर्ड करेगा, हम रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट मिलने के बाद, तो दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आएगा। जिसके बाद है डिसऑनर या बाउंस चेक, ये कौन सा चेक होता है? जो पैसे नहीं है और अकाउंट में पैसे नहीं होता और चेक दे दिया आपने। हाँ, नहीं चेक गलत बन गया, गलत तो नहीं, तो एरर हो गया।
मेन रीजन क्या होती है? हाँ, डिसऑनर या बाउंस चेक क्या होता है कि आपने सपोज चेक इशू किया, आपने चेक इशू किया पेमेंट की किसी को बाय चेक, और वो चेक लेके बैंक गया, पता चला बैंक बैलेंस कम था, तो चेक आपका रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाता है, तो उससे कहते हैं बाउंस या डिसऑनर चेक, चेक रिटर्न होता है। होती मेन रीजन यही होती है, है वो तो मेन रीजन ही, बाकी तो रिटर्न हाँ हो, मेजर गलत है, डेट गलत है, चेक एक्सपायर हो गया। हाँ नहीं। हाँ नहीं। उसको स्केल देखिए रिटर्न हो गया, मतलब एरर की वजह से साइन आपने गलत करके दिए, कहलाएगा बाउंस, रिटर्न ही हो गया, किसी वजह से भी रिटर्न हो जाए। मेन रीजन होती है बैलेंस कम होना है, ठीक है? तो चेक रिटर्न होने की मेन रीजन क्या है? बैलेंस आपका कम है, चेक आपने ज्यादा अमाउंट का इश्यू किया तो चेक आपका रिटर्न हो जाएगा, तो उसे कहते हैं बाउंस होना या डिसऑनर। जैसे बोल आपने किसी को पेमेंट की बाय चेक, चेक बना के दिया 50,000 का और आपका बैंक बैलेंस था 30,000, क्या उसे पेमेंट मिलेगी? नहीं मिलेगी, चेक आपका रिटर्न हो जाएगा और बाउंस। हाँ वो अगर, हाँ एक सूरत होती है मिलने की, अगर आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है आपके पास तो पेमेंट मिल जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी, तो रिटर्न हो जाएगा। और अगर ओवरड्राफ्ट की भी लिमिट होती है, वो लिमिट खत्म हो गई तो फिर रिटर्न हो जाएगा। तो जैसा हमें बाउंस चेक होकर चेक रिटर्न होना, किसी वजह से भी रिटर्न हो वो कहलाएगा डिसऑनर या बाउंस चेक। अच्छा ये चेक होता है कितने टाइम तक आप उसको कैश करवा सकते, पता है कितने दिन में, कितने महीनों में, कितना टाइम, या जो डेट होती है उसी दिन होगा? अभी बाकी बताएं, तो की जो डेट है उसी डेट पे निकाल सकते हैं, उसके बाद उससे पहले उल्टा कह रहे हैं, जो डेट होती है चेक के ऊपर, डेट से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ तक आपके पास टाइम होता है, आप उसको कैश या डिपॉजिट करवा, पहले नहीं निकाल सकते उस डेट से, उस डेट और उसके बाद चेक की लाइफ होती है 6 मंथ, ठीक जो उस पर डेट लिखी है उस डेट से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ तक आप चेक कभी भी डिपॉजिट या ड्रॉ कर सकते, 6 मंथ के बाद आपका चेक एक्सपायर हो जाता है, 6 मंथ के बाद चेक आपका एक्सपायर, चेक की लाइफ होती है 6 मंथ। अच्छा इसके बाद अब ये डायरेक्ट डेबिट स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, अच्छा ये डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर दो पेमेंट फैसिलिटीज हैं जो बैंक अपने कस्टमर्स को देता है, ऑटोमेटिक पेमेंट फैसिलिटी, मतलब आप घर बैठे आपकी पेमेंट्स होती रहेंगी, आपको कहीं जाने की कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक पेमेंट। तो डिफरेंस क्या होता है दोनों में, डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट डेबिट पेमेंट फैसिलिटी वहां यूज होगी जहां आपकी मंथली पेमेंट वेरी करती, जहां मंथली पेमेंट वेरी करेगी वहां यूज करेंगे डायरेक्ट डेबिट पेमेंट, और जहां आपकी मंथली पेमेंट फिक्स हो वहां यूज करेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, बिल पे करने का नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है? बिल नहीं लेके बैंक जाते हैं, कभी लाइन होती है कभी लाइन नहीं होती, लाइन में लगते हैं, बिल पे करके आ जाते हैं। अब तो कई ऑप्शन आ गए, पहले तो एक ही ऑप्शन था, बैंक जाना पड़ता था, तो आप पेटीएम से जाकर भी पे कर सकते हैं, इजी पैसा, जैस कैश वगैरह, मोबाइल ऐप आ गई है, क्या ठीक है, अब तो खैर कई ऑप्शन आ गए, बहुत आसान हो गया, पहले एक मुश्किल काम होता था, बिल पे करना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। पहले चंद बैंक्स होते थे, काफी पुरानी बात बता रहा हूँ, चंद बैंक्स होते थे और उनमें से 5 बैंक थे पहले से, एच बी एल, यूबीएल, एबीएल, एनबीपी और एमसीएल, हाँ टीपीएल, हाँ मैं अभी आगे टीपीएल, पहले टोटल 5 बैंक्स होते थे, उनमें से भी कुछ बैंक से जो 2 या 3 बैंक बिल जमा करते थे, बाकी बैंक से बिल जमा नहीं होता, और हम कौन है पाकिस्तानी, हम कब जाते हैं बिल जमा कराने? आखिरी दिन, और हम पाकिस्तानी बिल कब पे करते हैं? आखिरी दिन, और आखिरी दिन क्या होता है? फिर रश होता है, लाइन ही लगती, पहले ही बता रहा हूँ, लंबी लंबी लाइन होती थी,
लेडीज की अलग लाइन, जेंट्स की अलग, और फिर वो फटे बड़े हुआ करते थे इसके ऊपर में। और हाँ झगड़े होते थे, मैं पहले आ गया, ये पहले आ गया, ये आगे आ गया, ये पीछे आ गया, तो वाली झगड़े होते थे पहले, बहुत देखा। हाँ, सब वो अपने टाइम का बता रहा हूँ, मुझे पता है। और अक्सर ये होता था, बिल जमा कराने लाइन लगी है, 5 बजे बैंक बंद हो गया, अब जो बाहर खड़े खड़े बस। ये भी होता था उसको, और झगड़े होते थे, पूरे खानदान के बिल उठा के ले आते हैं, ये भी होता था। है तो अब तो खैर बहुत इजी हो गया, पेल करना भी एक बड़ा मुश्किल काम था पहले, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है कि आप चाह रहे हैं कि भाई आपका जो बिल है, अच्छा बिल हर महीने का डिफरेंट होता है ना, हर महीने का बिल डिफरेंट आता है। अब आप चाह रहे हैं कि आपका बिल जो है वो घर बैठे पे हो जाए, आपको कहीं जाने की कुछ करने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली आपका बिल पे होता रहे, टेंशन फ्री हो जाए, तो वहां पे आप यूज करेंगे डायरेक्ट डेबिट पेमेंट फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, बैंक जाएंगे, बैंक जाकर जिस बैंक में आपका अकाउंट है आप बिल लेके जाएंगे, बैंक को आप बताएंगे कि भाई आप सेंडिंग और डायरेक्ट डेबिट के थ्रू बिल पे करना चाह रहे हैं, तो बैंक आपके जो बिल के नंबर वगैरह होता है डिटेल्स अपने पास सेव कर लेगा सिस्टम में, और उसके बाद आपके पास तो बिल आएगा, साथ साथ बैंक में भी बिल आएगा ऑनलाइन, और वहीं से वो डायरेक्ट पे हो जाए, आपको कहीं जाने की कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। बस सिर्फ आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए, हर महीने आपका बिल पे हो जाए। अच्छा बाकी ये लगे इसके भी चार्जेस होते हैं, मतलब फ्री नहीं होती सर्विस, इसके भी कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं। तो डायरेक्ट डेबिट यूज करेंगे जहाँ मंथली पेमेंट वेरी करती है, सेंडिंग ऑर्डर ये भी सेम फैसिलिटी है, ये कहाँ यूज होगी, जहाँ पे आपके मंथली पेमेंट फिक्स हो। अच्छा फिक्स पेमेंट क्या हो सकती है, रेंट हो गया आपका, मंथली रेंट फिक्स होता है, एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, सैलरी फिक्स होती है, इसी तरह आपने अगर गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ली है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट फिक्स होती है, वो पे कर सकते हैं, आपने लोन लिया है, लोन फिक्स होता है, टैक्स तो चेंज होता रहता है, लोन आप पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट। तो जहां आपकी मंथली पेमेंट फिक्स होगी वहां यूज करेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर, और जहां मंथली पेमेंट वैरी करेगी वहां यूज करेंगे डायरेक्ट। अच्छा अभी ऑटोमेटिक पेमेंट्स हैं, बैंक से पेमेंट्स हो रही हैं, अब बैंक ने कब कितनी पेमेंट की, पहले कौन रिकॉर्ड करेगा, बैंक, और हम रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट मिलने के बाद, तो इनकी वजह से भी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि बैंक पहले रिकॉर्ड करेगा और हम रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट मिलने के बाद। अच्छा क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है, मोबाइल में क्रेडिट ट्रांसफर होता है, बैलेंस शेयर तो क्रेडिट ट्रांसफर भी कहते हैं, नहीं कहते, कह सकते हैं अदर, बैलेंस जो शेयर होते हैं, क्रेडिट ट्रांसफर के लिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर पैसे आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके लिए टर्म यूज होती है क्रेडिट ट्रांसफर। अगर एक अकाउंट से आप, आपका एक कस्टमर है, अपने कस्टमर को गुड सेल की, और कस्टमर ने अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो उसके लिए टर्म यूज होगी क्रेडिट ऑटोमेटिक। एक अकाउंट से अगर दूसरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, उसके लिए टर्म यूज होती है क्रेडिट ट्रांसफर। तो कब कहाँ से कितने पैसे आपके अकाउंट में आए, पहले कौन रिकॉर्ड करेगा, बैंक बाद में, जैसे आपके दो कस्टमर थे उन्होंने ऑनलाइन अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, अब पहले कौन रिकॉर्ड करेगा, बैंक, पैसे आए बाद में, हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, डायरेक्ट डेबिट, स्टैंडिंग ऑर्डर, क्रेडिट ट्रांसफर, ये पेमेंट फैसिलिटीज हैं, इसके थ्रू हम किसी को पे भी कर सकते हैं और कोई हमें भी पे कर सकता है ना, दोनों मीनिंग में आते हैं। तो नॉर्मली क्वेश्चन में जो ये आती है, जैसे पेमेंट्स या टाइम टर्म्स में आती है, हम पे कर रहे हैं, कभी कभार वो रिसिप्ट में भी लिख देते हैं कि आपने रिसीव किया है, तो जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपने उसको गौर से देखना कि पेमेंट की बात हो रही है या रिसिप्ट की बात हो रही है। अच्छा ये तो हो गया आपके अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन के, जो बैंक पहले रिकॉर्ड करता है और हम रिकॉर्ड करेंगे
बाद में। तो ये फैसिलिटीज जब है इसके थ्रू हम किसी को पे कर सकते हैं और कोई हमें भी पे कर सकते हैं। कोई और हमें पे करेगा तो वो रिसिप्ट हो जाएंगे, हम पे करेंगे तो पेमेंट करना। नहीं, यहाँ पेमेंट लिखा हुआ है, समझा रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि हमेशा हम ही पे कर रहे हैं, कोई हमें भी तो पे कर सकता है। तो हमारे लिए वो क्या हो जाएंगे, रिसिप्ट। जैसे मैं हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, हमारे लिए वो क्या, डायरेक्ट डेबिट पेमेंट। इलेक्ट्रिक के लिए वो क्या है, डायरेक्ट डेबिट रिसिप्ट। हम किसी को जैसे रेंट पे कर रहे हैं, हमारे लिए क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। ओनर के लिए क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर रिसिप्ट। ठीक है, ये दोनों मीनिंग में आ सकता है। नॉर्मली पेमेंट के मीनिंग में आता है, लेकिन रिसिप्ट में भी आ सकता है, तो मेंशन करिएगा। ठीक है, कि आपने डायरेक्ट डेबिट के थ्रू कैश रिसीव किया या आपने स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू कैश रिसीव किया, तो मेंशन कर दे, वो लिखेगा, सो मेंशन करेगा। ठीक है, नॉर्मली पेमेंट के सेंस में आएगा कि जहाँ रिसिप्ट की बात होगी तो वो क्लियरली उसको मेंशन करेगा। डायरेक्ट डेबिट रिसिप्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर रिसिप्ट लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो भी वो ट्रांजेक्शन जो बैंक पहले रिकॉर्ड करता है और हम बाद में। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड पहले करें और बैंक रिकॉर्ड करे बाद में, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हो सकती है? बहुत सारी एग्जाम्पल, कस्टमर को पैसे पैसे दे दिए, फिर बैंक का क्या डालोगे, पैसे दे दिए ना, कैश में लेके। हाँ तो कैश है ना, वो तो बैंक चेक दे दिया, ये अगर कैश दिया चेक दिया, कैश का तो बैंक से ताल्लुक नहीं होता, कैश का तो बैंक सही है। फिर हमने रिकॉर्ड कर लिया, बैंक कब करेगा, जब वो लेके जाएगा, 1 दिन लग सकता है, 2 दिन, 4 दिन, कुछ भी हो सकता है। और इसका रिवर्स भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ओके। हम लिखते हैं जरा, अभी आएगा यहाँ पर टाइमिंग डिफरेंट। ये टर्म यूज करेंगे हम उन ट्रांजेक्शंस के लिए जो हम पहले रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में और बैंक रिकॉर्ड करेगा बाद। तो उसके ठीक है, आप इसमें क्या आ जाएगा, इसमें दो चीजें आ जाती हैं, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट और लॉजमेंट्स और आउटस्टैंडिंग चेक्स और अनप्रेजेंटेड चेक। ये दो टाइप के चेक आते हैं। पहले क्या, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट और आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, या इसको आप आउटस्टैंडिंग चेक्स भी कह सकते हैं। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट, आउटस्टैंडिंग चेक्स, एक ही बात। अच्छा, ये कौन से चेक्स होते हैं? ठीक है, कस्टमर ने हमें पेमेंट की बाय चेक, बैंक गए, आज हम बैंक गए, बैंक जाके हमने चेक डिपॉजिट करवा, हम कब एंट्री बनाएंगे, जब आज डिपॉजिट होगा, मतलब आज हमने चेक डिपॉजिट करवाया, तो आज ही हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे ना, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, बैंक कब रिकॉर्ड करेगा? अच्छा, ये बताए पहले एक चीज, आज हम बैंक में चेक डिपॉजिट करवा रहे हैं, अकाउंट में पैसे कब आएंगे? 3 दिन बाद आते हैं, नॉर्मल पीरियड होता है 3 दिन, तो 3 वर्किंग डेज होते हैं। आज अगर चेक डिपॉजिट करवाया तो कल का दिन छोड़ के परसों आप अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ कर सकते। नॉर्मल ड्यूरेशन 3 डेज होता है, बाकी अदर फैसिलिटीज होती है, 3 डे भी हो सकता है, सुबह डिपॉजिट करवाए तब तक भी हो जाता है। अगर सेम बैंक का चेक है, सेम बैंक जिस बैंक में आपका अकाउंट, उसी बैंक का चेक मिला, तो डिपॉजिट कराते ही क्लियर हो, तो डिपॉजिट होता है और पैसे आपके अकाउंट में 5-10 मिनट में आ जाते। अकाउंट सेम बैंक, सेम बैंक अकाउंट ही, सेम बैंक, मेरा बैंक जिस अकाउंट करें, जिस बैंक में, आपका भी उसी बैंक में, आपने मुझे चेक दिया, मैंने डिपॉजिट कराया फॉरन, उसी टाइम पैसे आ। तो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 3 डेज का। ओके, तो आज फर्स्ट कर लें, डेट है आपकी 31st, आज सपोज डेट है 31st, मंथ एंड है, मंथ एंड पे आपने जाकर बैंक जाके चेक डिपॉजिट करवाया, हम कब रिकॉर्ड करेंगे, आज ही रिकॉर्ड कर देंगे, बैंक अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, बैंक कब रिकॉर्ड करेगा, अगले अगले में बैंक रिकॉर्ड करेगा 2 तारीख, तीसरे दिन, जब वो क्लियर होगा, क्योंकि वो चेक क्लियरिंग में जाता है दूसरे बैंक, वहां से वो क्लियर होके आता है कि अभी इसके अकाउंट में पैसे हैं, तो फिर आपके अकाउंट में पैसे, चेक क्लियर होने में 3 दिन, तो बैंक रिकॉर्ड करेगा उसको सेकेंड,
अगर 31st को चेक डिपॉजिट करवाया तो बैंक रिकॉर्ड करेगा 2 तारीख, ठीक है। तो आज जो मंथ एंड हुआ हमारा 31st, आज जो इस मंथ का हमें करंट मंथ का बैंक स्टेटमेंट मिलेगा, सो वो चेक अपेयर नहीं हो, रिकॉर्ड नहीं होगा, अपेयर नहीं। लेकिन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं तो हमारी बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम। ऐसे चेक्स को कहते हैं आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट और आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट, कि हमने चेक डिपॉजिट करवा दिया अभी क्लियर नहीं हुआ, अनक्लियर चेक भी कहते हैं। तो ये तो कैश चेक होता है ना, उसका तो अकाउंट हो जाएगा, ये तो कैश चेक कहलाता है, वो तो कैश का चेक होता है, लेके गया पैसे मिल गए, वो तो फिर उसका तो डाले ही नहीं, तो कैश वो तो अकाउंट में जाएंगे नहीं आपके, तो उसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, कैश की बात कर रहे हैं, कैश चेक कौन कौन सा चेक जमा कराते हैं, उसी को कब आता है, तो सेम बैंक हो तो, वरना थोड़ी आता उसी को, ऐसे कैसा है उसी वक्त आ गए थे, उसके दो रीजन होते हैं, या तो सेम बैंक का चेक होगा या कैश का चेक होगा, तो कैश करके हाँ, तो ये रीजन बता रहा हूँ ना, उसके वक्त आने की रीजन, चेक सेम बैंक का हो, एक रीजन ही होती है सेम बैंक, तब आते, वरना नहीं आते। कैश का चेक हो, कैश कैश कराया आपके और जमा करा दिए, बाकी एक होता है क्रॉस चेक, वो नहीं आता, तो 3 दिन अलग बैंक हो, डिफरेंट बैंक होता है तो फिर 3 दिन लगे। तो इसके बारे में ये तो हो गया आपके आउटस्टैंडिंग और लॉस्ट। अब आ जाए आउटस्टैंडिंग और अनप्रेजेंटेड चेक। अच्छा, अब ये कौन से चेक होते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक, इसका रिवर्स है। अब ये इसका रिवर्स, हमने एक सप्लायर को पेमेंट की बाय चेक, हम एंट्री क्या बनाएंगे? आज भी बना लेंगे, आज हमने चेक इशू किया, सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं बाय चेक, तो हम कब रिकॉर्ड करेंगे? आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। वो सप्लायर ने क्या किया, चेक लेके गया और जाके अपने ऑफिस के ड्रॉर में रख दिया कि 2 4 दिन में जब बैंक जाना होगा डिपॉजिट करवा दूंगा। अब इससे पहले कि वो बैंक जाता, चेक डिपॉजिट करवाता, मंथ एंड हो, अब मंथ एंड पर जो बैंक स्टेटमेंट मिलेगा उसमें वो चेक अपियर नहीं होगा, क्योंकि वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, इसके ड्रॉअर में रखा हुआ है। ऐसे चेक्स को कहेंगे हम अनप्रेजेंटेड चेक, और इसकी वजह से भी डिफरेंस आएगा कि हमने चेक इश्यू किया, हमने एंट्री बना ली, अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, हमारे रिकॉर्ड है बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक में वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ज्यादा हो। ये हो गया आपके अनप्रेजेंटेड टैक्स। अच्छा, ओके, तब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले हाँ एक चीज बाकी और बताऊंगा आपको, ये क्वेश्चन रीड कर लें पहले, अब एक पॉइंट और है पहले वो समझा दो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा, इसमें ड्रॉप ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर राइटिंग द कैश बुक अप टू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग एज ऑन 31st मार्च, ये तो था रिक्वायरमेंट आ गई। ऊपर पहले दिया हुआ कैश एट बैंक एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक डेबिट बैलेंस है 2740, ये तो हमारी कैश बुक की बात हो रही है ना, कैश बुक बनाई हमने, कैश बुक में दो बैंक कॉलम होते हैं डेबिट क्रेडिट, एज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ रहा है 2740। अब हमें बैंक से बैंक स्टेटमेंट मिला, मंथली बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2537, दोनों बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये रीजन है 1 2 3 4 5 रीजन है जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, अब इनको हमें एडजस्ट करना है, करेक्शन करनी है, और दोनों बैलेंस हमारे इसके बाद रिकंसाइल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एडजस्ट हो। अच्छा, उससे पहले एक चीज और यहाँ देखें आप, ये लिखा हुआ कैश बुक का बैलेंस लिखा है डेबिट और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लिखा हुआ है क्रेडिट, ये क्या बात? अच्छा, जी
और हमारा क्रेडिट बताएं बताते जी क्या बताते जी। कैश तो हमेशा डेबिट में आता है, क्रेडिट में आता है, ओवरड्राफ्ट तो नहीं होगा जी? क्या ख्याल है, नॉर्मल बैलेंस है या ओवर? अच्छा पहले एक पॉइंट और भी बाद में इसमें मैं समझाता हूँ। कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस होगा डेबिट ना, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट होता है, और अगर क्रेडिट हो तो ओवरड्राफ्ट हो जाता है ना, जो हमने कैश बुक का क्वेश्चन भी किया था सेकंड वाला। ओके तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, और अगर ओवरड्रॉ करेंगे तो क्रेडिट होगा। कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा और बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, ये नोट करते हैं। तो समझाता हूँ कैसे। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा और बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, ये दोनों नॉर्मल बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नहीं है। इसके रीजन क्या होती है, इसमें सभी एंट्रीज भी लिखकर आपको समझा दूंगा। देखिए जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं, ये जो हमारा बैंक बैलेंस है वो हमारे लिए क्या है, एसेट लायबिलिटी, एसेट है ना, बैंक बैलेंस हमारे लिए एसेट होता है। अच्छा अब हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया, कैश या चेक, तो वो तो हमारे लिए हो गया एसेट। बैंक के लिए क्या है, बैंक में हम कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं, हमारे लिए तो वो एसेट हो गया बैंक बैलेंस। बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसे, देखिए बैंक में हमने कैश डिपॉजिट करवाया तो कल को हम बैंक से वापस लेंगे ना, बैंक पे लायबिलिटी आ गई कि आज जो पैसे कस्टमर ने डिपॉजिट करवाया वो कल को उसे वापस कर, मैं आपके पास पैसे रखवाता हूँ, ये पैसे रखें 2 दिन बाद मैं आपसे वापस लूंगा, आज आप पे लायबिलिटी आ जाएगी ना, कि आज जो पैसा मैं आपको दे रहा हूँ ये आपने मुझे 2 दिन बाद वापस करने, लायबिलिटी। इसी तरह जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक बैलेंस तो हमारा एसेट होगा लेकिन हम बैंक के लिए लायबिलिटी बन जाएंगे, कि आज जो पैसे कस्टमर ने डिपॉजिट करवाया वो कल को उसे रिटर्न करने हैं, इसीलिए बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा, लायबिलिटी शो करेगा। बैंक अपने पास लायबिलिटी दिखाएगा कि बैंक ने इतने पैसे कस्टमर को देने हैं, और हमारे लिए बैंक बैलेंस एसेट है, तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक नॉर्मली डेबिट होगा और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट। अच्छा इसके मैं आपको एक तो एंट्रीज भी समझा देता हूँ, आगे यूज भी होंगी, ये काम आएंगे आपके। अच्छा बैलेंस समझ लें तो ना, डेबिट क्रेडिट क्या था। अच्छा ये एक हम फर्ज कर लें कि हमारा बिजनेस है, बिजनेस का नाम क्या है, एबीसी कंपनी, और ये हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया एचबीएल में, ठीक है, ये बिजनेस हो गया हमारा एबीसी को, और ये बैंक अकाउंट हमारा कहाँ पर है, एचबीएल। अच्छा अब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं, अब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं, हम क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक डेबिट सपोज कर रहे हैं 50,000, और कैश क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से ना, है ये एंट्री तो हम बनाएंगे अपने पास। अब जो बैंक है, बैंक अपने पास क्या एंट्री बनाएगा, जो बैंक वाले क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक के पास कैश आया, बैंक लिखेगा कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट क्यों करेगा, हाँ अकाउंट पेबल आएगा ना। अब हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया, फर्ज करें हम इस वक्त बैंक में बैठे में, अब एक कस्टमर आया कैश डिपॉजिट करवाने, 50,000 कैश आ गया हमारे पास, ठीक है, तो हमने कैश को डेबिट किया, और ये हम पर एक लायबिलिटी आ गई ना, कि अब कल को हमने ये पैसे एबीसी को वापस करने, तो हम क्रेडिट में क्या लिखे, अकाउंट्स पेबल एबीसी को, एबीसी कंपनी, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट करेंगे ना, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा अब कुछ दिन बाद हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया, अब कुछ दिन बाद हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया, हम क्या एंट्री बनाएंगे, अब बैंक से हमने सपोज 20,000 विड्रॉ किया, तो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक है, 20,000 हमने कैश निकाला, ठीक है,
आप बस की एंट्री बनाएगा, अकाउंट अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा। हाँ चलिए, अभी तो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, निकाल तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड क्लियर। अच्छा अब आपका फर्स्ट करें मंथ एंड हुआ, मंथ एंड पे हम अपना बैंक बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बैलेंस कितना होगा हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, बैलेंस कितना आएगा 30,000। तो ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट डेबिट बैलेंस होगा ना, हम अपने पास हमारे लिए तो डेबिट है। अच्छा अब जो हमें बैंक स्टेटमेंट मिलेगा, अब बैंक का बैलेंस क्या होगा, बैंक अपने पास बैलेंस कितना शो करेगा, और 30,000 क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो 30,000 बैंक बैलेंस है ये हमारे लिए एसेट है, और वो जो 30,000 बैंक स्टेटमेंट है बैलेंस वो बैंक के लिए लायबिलिटी। हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे डेबिट बैलेंस, बैंक अपने पास उसको दिखाएगा क्रेडिट। अभी से ध्यान रखिएगा रिकॉर्डिंग जो है बिल्कुल अपोजिट हो, जो ट्रांजेक्शन हम अपने पास डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे वो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होंगी, जो ट्रांजेक्शन हम अपने पास क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे वो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट पे रिकॉर्ड होगी, और इसलिए बैलेंस में हमेशा अपोजिट होगी। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक बैलेंस डेबिट होगा तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पर, ठीक है, तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट होगा और बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट, ठीक है। अब ये भी कॉपी कर ले, नोट कर ले, ये आपको याद रहेगा। अच्छा क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हम इसमें दिया हुआ कैश एट बैंक एज पर बैंक कॉलम, बैंक बैलेंस दे दिया हमें कितना 2740, और मंथली बैंक स्टेटमेंट शो रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2537। इसके बाद है अनप्रेडेंटेड पीरियड चेक, बैंक चार्जेस, अनप्रेडेंटेड चेक, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर। रिक्वायरमेंट क्या है, स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस ऑफ 2740 ब्रिंग द कैश बुक बैंक कॉलम अप टू डेट एंड देन बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। उसके बाद हम बनाएंगे प्रीपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा यहाँ देखो, स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस ब्रिंग द कैश बुक बैंक कॉलम अप टू डेट। अब इसमें वो कैश बुक नहीं बनेगी जो हमने बनाई थी 8-10 कॉलम वाली, सिंपल हम एक बैंक का टी अकाउंट बनाएंगे, बैंक का टी अकाउंट बनेगा, बैंक बैलेंस को एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट बनेगा जिसमें हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को एडजस्ट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर कैश एट बैंक कितना है, 2740, तब ये एक बैंक का टी अकाउंट बनेगा, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका डेबिट बैलेंस 2740, ठीक। अच्छा इसके बाद बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है, 2537, यहाँ लिख लेते हैं हम बैलेंस, यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है आपका, 2537, 2537, और ये क्रेडिट बैलेंस है, और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस नॉर्मल बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है। ओके अब इसको जरा रिकनसाइल करते हैं इन दोनों बैलेंसेस को। ओके पहले फर्स्ट क्या, अनक्लियर चेक्स। अनक्लियर चेक्स कौन से होते हैं, हाँ हमने चेक डिपॉजिट करवाया जो अभी क्लियर नहीं हुआ, ठीक। अच्छा देख, हमने चेक डिपॉजिट करवा दिया तो हम अपने पास रिकॉर्ड कर चुके होंगे, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो अभी रिकॉर्ड कहाँ होगा, बैंक, ठीक है। अच्छा जब ये अनक्लियर चेक क्लियर होंगे तो बैंक बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, जब ये अनक्लियर चेक क्लियर होगा तो बैंक बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा,
इंक्रीज होगा। अनक्लियर कौन से होते हैं? बैंक से वो क्रेडिट अनक्लियर कौन से होते हैं? हमने चेक डिपॉजिट करवाया और अभी क्लियर नहीं हुआ ना, तो जिस दिन ये चेक क्लियर होगा तो बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे या जाएंगे? हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे ना, तो चेक के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं। अनक्लियर मतलब वही कि चेक आपने डिपॉजिट करवाया जो अभी क्लियर नहीं हुआ, तो जिस दिन ये चेक क्लियर होगा तो उस दिन हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है? तो इसको हम यहाँ बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में ऐड करेंगे, ऐड अनक्लियर चेक्स। अनक्लियर चेक्स बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में ऐड होंगे कितने? 410। अच्छा, इसके बाद बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस ऑन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट ईयर्ड इन द कैश बुक। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट देखकर हमें पता चला है कि बैंक ने कुछ चार्जेस हमारी अकाउंट से डिडक्ट किए जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। तो रिकॉर्ड कर लेंगे, तब ये बैंक में डेबिट होंगे क्रेडिट होंगे? अच्छा, अगर इसके डबल एंट्री बनाए हम अपने पास क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक चार्जेस डेबिट होंगे एक्सपेंस है और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना है? 32। 32 से बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो इसको यहाँ पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइट पर ना। 32 से ये बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखें? डिस्क्रिप्शन में हम लिख लेंगे बैंक चार्जेस ना, ठीक है? ये बैंक चार्जेस हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे, रिकॉर्ड कर लिए, पोस्ट हो गए। नेक्स्ट है अनप्रेजेंटेड चेक्स। अभी अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन से होते हैं? हमने सप्लायर को पेमेंट की बाय चेक और सप्लायर ने चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, डिपॉजिट नहीं किया, कैश नहीं करवाया, ठीक है? अच्छा, तब जिस दिन ये चेक बैंक में प्रेजेंट होगा उस दिन बैंक बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। देखिए, हमने सप्लायर को पेमेंट की बाय चेक और सप्लायर ने वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो जिस दिन वो प्रेजेंट करेगा उस दिन बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। हम इसको क्या करेंगे, हम बैंक से लेस करेंगे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से लेस कर देंगे। अब लिखेंगे लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनक्लियर ऐड होंगे, अनप्रेजेंटेड लेस 131। इसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर एंटर्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक। अब ये क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट हो, नॉर्मली पेमेंट के लिए यूज होते हैं, तो 93 की हम पेमेंट हुई है स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। अब इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ डेबिट करेंगे क्रेडिट, बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, पेमेंट हो रही है तो ये यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी कितने से? 93, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। तो यहाँ हम लिख लेंगे डिस्क्रिप्शन में स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर आ गया। इसके बाद एक क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम बी बर्नेस एंटर्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट ईयर्ड इन कैश बुक। अच्छा, अब ये क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम बी बर्नेस, तो ये हम रिसीव कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम है, पैसे आ रहे हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो गए, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो अब यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे, ठीक है? पैसे आ रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो 201 बैंक में डेबिट होंगे और डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे हम क्रेडिट ट्रांसफर। अच्छा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दोनों चीजें हमने एक साथ ही बना ली, अब इनको बैलेंस कर लेते हैं। अब ये बैंक अकाउंट डेबिट साइड का टोटल करेंगे, टोटल है 2941, 2941, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करें, माइनस करके बताएं, 1 2816, ठीक है? तो ये कैरेट डाउन और ये इसका ब्रॉड डाउन आ जाएगा 28। तो ये तो हमारे पास आ गया एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक या बैंक अकाउंट। अब बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को एडजस्ट करेंगे,
इसका सम कर लें तीनों का, कितना आ रहा है? डेबिट माइनस प्लस करके इधर डेबिट इनको जरा प्लस माइनस कर ले तो ये आ जाएगा 2816। दोनों बैलेंस सेम हो गए, इक्वल हो गए, रिकनसाइल्ड हो गए, एडजस्ट हो गए, इट मींस क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व। इसको आप लिखेंगे एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश। तो दोनों बैलेंस हमारे रिकनसाइल्ड हो गए, इक्वल हो गए, सेम हो गए, एडजस्ट। और इससे आपका क्वेश्चन भी चेक हो गया, क्वेश्चन आपने सही सॉल्व कर दिया, ठीक है, और हमें अपना एडजस्टेड बैलेंस मिल गया। ओके, इसको कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर टू, ऑन December 21 बैंक अकाउंट ऑफ सी सेंस कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1740। मंथली बैंक स्टेटमेंट रिटर्न अप टू 31 December 2011 शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2950। On checking the cash book with bank statement, it was discovered that the following transaction had not been entered in the cash book. So, इस वाले क्वेश्चन को मैं इसमें अलग अलग करके दे दिया आपको ना। तब ये वो पांच ट्रांजेक्शन है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अभी हम रिकॉर्ड कर लेंगे सबको। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कैश बुक में क्या आएगा क्या नहीं। उसके बाद फिर ये दे दिया फर्दर चेक रिव्यू द फॉलोइंग अनप्रेजेंटेड और अनक्लियर चेक, ये बैंक रिकंसिलिएशन में चले गए। अच्छा, रिक्वायरमेंट वही सेम है, बैंक अकाउंट बनाएंगे और एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, इस पूरे टॉपिक में, पूरे टॉपिक दो चीजें ही बनेगी और कुछ नहीं, बैंक अकाउंट बनेगा और एक ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा। पूरे टॉपिक में दो चीजें बनेगी, एक अकाउंट एक स्टेटमेंट। हर क्वेश्चन इन दोनों से सॉल्व और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसी के अंदर बस ट्रांजेक्शन आती रहेंगी डिफरेंट तरह की, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, करना सिर्फ यही है, सही। हाँ अच्छा, तो ये इसका फॉर्मेट पहले कॉपी कर लेते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर टू, अब कैश बुक का बैलेंस कितना है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है 1740 डेबिट बैलेंस। ये इसका बैलेंस आ गया 1740। और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 2950। क्या बयान लिखा है? ऑन चेकिंग द कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अब ये रिकॉर्ड कर लेंगे। फर्स्ट है अ क्रेडिट ट्रांसफर ऑफ 260 हैड बीन कलेक्टेड बाय द बैंक। कलेक्ट कर रहा है मीन्स पैसे आ रहे हैं, कैश आया तो बैंक हो जाएगा डेबिट, 260 डेबिट, और डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे क्रेडिट ट्रांसफर। सेकेंड बैंक चार्जेस हैं, तो बैंक चार्जेस क्रेडिट हो जाएंगे, कि बैंक चार्जेस बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेते हैं। और डायरेक्ट डेबिट ऑफ 70 हैड बीन पेड बाय द बैंक, पेमेंट हो रही है तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट, और डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे डायरेक्ट डेबिट के नाम से ही लिख देते डायरेक्ट डेबिट। तो इसकी जगह आप अकाउंट पेबल भी लिख सकते हैं, लायबिलिटी पे कर रहे हैं। और जिसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 200 हैड बीन पेड बाय द बैंक, ये भी पेमेंट है, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 200 से, और डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर। इसके बाद सी टेंस डिपॉजिट अकाउंट बैलेंस ऑफ 1400 वॉज ट्रांसफर्ड इन टू हिज बैंक करेंट अकाउंट। अच्छा, सी टेंस कौन है? तो ओनर है ना। अब वो कह रहा है कि जो ओनर है सी टेंस, उसके डिपॉजिट अकाउंट से 1400 उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुए,
अच्छा ये डिपॉजिट अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है, कुछ पता है? बैंक अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स होती है कॉमन, करंट अकाउंट, सेविंग और डिपॉजिट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अलावा। ठीक, डिफरेंस क्या होता है? करंट अकाउंट होता है, क्या होता है करंट अकाउंट में? ये होता है कि आप जब जितना अमाउंट चाहे डिपॉजिट करवाएं, जब जितना अमाउंट चाहे ड्रॉ कर लें, कोई लिमिट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और जो आपका बैंक बैलेंस होता है करंट अकाउंट में, उसके कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, मिलता नहीं है। ठीक है, तो इंटरेस्ट फ्री अकाउंट होता है। ठीक तो राइट। सेकेंड आपका सेविंग अकाउंट होता है, तो नॉर्मली जो बिजनेसमैन होते हैं वो खुलवाते हैं करंट अकाउंट, क्योंकि उनकी डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रही होती है नॉर्मली। बाकी एक सैलरीड पर्सन भी करंट अकाउंट खुलवा सकते। इसके बाद एक सेविंग अकाउंट होता है जिसमें डिपॉजिट पर तो कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन विड्रॉल्स पे कुछ लिमिट्स होती हैं। और सेविंग अकाउंट का जो बैंक बैलेंस होता है उस पर आपको कुछ परसेंट इंटरेस्ट भी मिलता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए तो फिर आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक डिपॉजिट अकाउंट होता है या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। उसमें क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट एक फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट करवाते हैं। सपोज आपको 10 लाख रुपीज मिले, आप बैंक का 10 लाख लेकर अपने आपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया 5 ईयर के लिए, और 10 लाख अपने डिपॉजिट करवा दिए। अब क्या होगा, 10 ईयर तक आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, वो फिक्स हो गए। अब उस पर आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट आप ड्रॉ करके यूज कर सकते, और 5 ईयर के बाद आपको आपके 10 लाख भी वापस मिले। ई डिपॉजिट अकाउंट, तो वो कह रहे हैं उसके डिपॉजिट अकाउंट से 1400 उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुए, तो इस मीन्स पैसे आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं तो ये बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे ना, इसके करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। हाँ, 1400 यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे, और यहाँ पे हम डिपॉजिट अकाउंट लिख देते हैं ताकि याद रहे पैसे कहाँ से है, डिपॉजिट अकाउंट। ओके, अब इसके बाद अब ये दिया हुआ, आप फर्दर चेक रिवील द फॉलोइंग आइटम्स अनप्रेजेंटेड चेक्स। अच्छा, अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं? हमने सप्लायर को पेमेंट की बाय चेक, और उसने वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो जिस दिन वो चेक प्रेजेंट करेगा उस दिन बैंक बैलेंस में क्या इफेक्ट आएगा? डिक्रीज होगा, तो इसलिए अब ये अनप्रेजेंटेड चेक यहां से लेस कर देंगे, अनप्रेजेंटेड चेक 540 माइनस हो जाएंगे। और फिर अनक्लियर चेक्स, तो अनक्लियर चेक्स क्या होते हैं? हमने चेक डिपॉजिट करवाया जो अभी क्लियर नहीं हुए, तो जिस दिन अनक्लियर चेक क्लियर होंगे बैंक बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? इंक्रीज होगा, तो अनक्लियर चेक्स ऐड हो जाएंगे। सिक्स नाइन, तो टोटल कर लेते हैं। पहले क्या बैंक अकाउंट क्लोज करते हैं, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3400। कहाँ रह गया ग्लास का? तो इसके बाद अब क्रेडिट साइड माइनस करेंगे इसमें से 300, तो 3100, 3100। ये हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम या बैंक अकाउंट। अब ये बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस का सम कर लेते हैं, इतना ही आ रहा है 3100। ये हो जाएगा एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसके साथ ये दोनों बैलेंस हमारे रिकनसाइल्ड हो गए, एडजस्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये फॉर्मेट कॉपी करते हैं पहले। क्वेश्चन
देखिए, ऑन 31 मार्च बैलेंस ऑन बैंक लेजर अकाउंट शोज दैट वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1042. एट द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 838. ओके, बैंक बैलेंस कितना है? बैलेंस एज पर कैश बुक 1042, और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 838 क्रेडिट बैलेंस. अच्छा, द फॉलोइंग वॉज देन डिस्कवर्ड. क्या बैंक चार्जेस ऑफ 24 वर शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट बट हैड नॉट बीन एंटर्ड इनटू द कैश बुक. तो ये क्रेडिट हो जाएंगे बैंक चार्जेस, और डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे बैंक चार्ज. बी, कैश बुक क्रेडिट साइड हैड बीन अंडरकास्ट बाय 100. हाँ बोले नहीं, क्यों? बैंक तो रिकॉर्ड कर चुका होगा ना. ये क्या लिखा है? वर्ड शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट. हमें पता कहाँ से चला है? बैंक स्टेटमेंट से. तो मतलब बैंक रिकॉर्ड कर चुका है. अच्छा, बी में देखिए एक एरर आ गया. द कैश बुक क्रेडिट साइड हैड बीन अंडरकास्ट बाय 100. कैश बुक की डेबिट साइड अंडरकास्ट. अच्छा, अंडरकास्ट का मतलब क्या है? अंडरकास्ट का मतलब क्या है? अंडरकास्ट कास्टिंग मींस होता है एडिशन. कास्टिंग मींस होता है एडिशन. अंडरकास्ट का मतलब टोटल आपने कम किया, और ओवरकास्ट का मतलब होगा टोटल ज्यादा. जिसके लिए एक और टर्म यूज होती है, अंडर स्टेट ओवर स्टेट. अंडरकास्ट या अंडर स्टेट का मतलब टोटल आपने कम किया, ओवरकास्ट या ओवर स्टेट का मतलब टोटल आपने ज्यादा किया. अब यहाँ पे क्या हुआ कि क्रेडिट साइड हमारी अंडरकास्ट, हमने जब कैश बुक की क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 100 ऐड करना भूल गए होंगे. तो अब क्या करें? 100 क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लें. अब क्रेडिट साइड हमारी अंडरकास्ट है, क्रेडिट साइड कम है, तो उसको इंक्रीज करेंगे. क्रेडिट साइड को इंक्रीज करने के लिए 100 हमें क्रेडिट करना पड़ेंगे, क्रेडिट पर ऐड करना पड़ेंगे ना. तो अभी 100 हम क्रेडिट साइड पर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 100 से इसको क्रेडिट कर देंगे. उसको आप अंडरकास्ट ही लिख दें याद रखने के लिए. तो क्रेडिट साइड हमारी अंडरकास्ट थी, तो क्रेडिट साइड पर हमने 100 ऐड कर लिए, तो ये क्रेडिट हो जाएगा. सही. क्लियर? अंडरकास्ट मींस कि आपने टोटल काम किया, और ओवरकास्ट टोटल ज्यादा किया. ठीक है, तो क्रेडिट साइड हमारी अंडरकास्ट है, क्रेडिट साइड को इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज करने के लिए 100 हमें ऐड करना हो, 100 से हम इसको क्रेडिट कर देंगे. तो हमने 100 कहाँ लिखा? क्रेडिट साइड. सब क्रेडिट साइड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. तो क्रेडिट साइड हमारी अंडरकास्ट थी, तो हमने 100 से उसको क्रेडिट किया, अब इससे हमारी क्रेडिट साइड इंक्रीज हो जाएगी. ठीक, तो ये हो गया, एक करेक्शन हो गई. अच्छा, सी है, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट ऑफ 70 अपीयर्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट बट हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम कैश बुक. स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. आगे बढ़ें, क्या लिखा है? ओमिटेड फ्रॉम द कैश, रिकॉर्ड कर लेंगे. ठीक है. बी, चेक ड्रॉन बाय योर बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 120, 60 and 35. क्या प्रॉब्लम? चीजों के बैठे. अच्छा, चेक ड्रॉन बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 120, 60 and 35 एट नॉट बीन हेड
not yet been presented at the bank by 31st March and therefore did not appear on the bank statement. तो ये हो गया आपके unpresented checks. तीनों को add कर लें. Total करें कितना बन रहा है 215. Total तीनों का 215. तब ये unpresented check यहाँ से minus हो जाएंगे 215. क्योंकि unpresented check जब present होंगे तो bank balance हमारा decrease होगा minus. Point E, a check receipt from a customer. Check received from a customer 225 had been paid into the bank account on 30th March but did not appear on the bank statement until 3rd April. ये आपका unclear checks हो. Paid का यहाँ मतलब है deposit. A check received from customer had been deposited into bank account या paid into bank account एक ही बात है. तो ये unclear check हो गए ना. अनक्लियर चेक्स तो ये यहां पर ऐड हो जाएंगे. 225 ऐड कर लेते हैं. कंप्लीट हो गया क्वेश्चन. बैलेंस करते हैं हम. अब डेबिट साइड का टोटल है 1042. क्रेडिट साइड माइनस करें. ये बैलेंस कितना आ रहे हैं? कितना? 848. कैरी डाउन और ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा 848. और अब ये बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस का सम कर लें 848. तो इसके साथ ये दोनों बैलेंस हमारे रिकंसाइल्ड हो गए, एडजस्ट. क्वेश्चन 4. अच्छा, गैमा इज रिकंसाइलिंग हर कैश बुक टू द बैंक स्टेटमेंट. हर बैंक बैलेंस इज 2357 एंड द बैलेंस ऑन हर बैंक स्टेटमेंट इज 25 ओवरड्रॉन. ओवरड्रॉन है. शी फाइंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं. पहले ये फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं. अच्छा, अब तक जो बैंक बैलेंस था वो नॉर्मल बैलेंस था ना. बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नॉर्मल था. अब यहां पर दिया हुआ ओवरड्रॉन, ओवरड्राफ्ट. ठीक है, ओके. अच्छा, कैश बुक का बैलेंस कितना है? 2357. बैलेंस एज पर कैश बुक 2357. ठीक है, ओके. अब यहां दिया हुआ बैलेंस ऑन हर बैंक स्टेटमेंट इज 25 ओवरड्रॉन. ओवरड्रॉन है तो ये आएगा नेगेटिव में, -25. इसको यहां मैं लिख भी देता हूं, ओवरड्रॉन. और इसको अगर आप डेबिट क्रेडिट में बात करें तो ये डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, ओवरड्रॉन होगा तो डेबिट हो जाएगा. और अब ये बैंक के लिए क्या बन जाएगा? एसेट. कि कस्टमर ने ओवरड्रॉ किए तो आप बैंक ने कस्टमर से रिसीव करने, तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट में ये डेबिट बैलेंस होगा. ठीक है. अच्छा, अब आ जाए बाकी ट्रांजेक्शन पे. बैंक चार्जेस है 23, क्रेडिट हो जाएंगे. डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डेबिट टोटलिंग 100 हैव नॉट बीन पोस्टेड टू कैश बुक. डायरेक्ट डेबिट पेमेंट हो रही है, क्रेडिट करेंगे. अनप्रेजेंटेड चेक्स माइनस होंगे 324, -324. अच्छा, शी पेड in a batch of checks 2 days ago totaling 2503 and these have not yet been credited to her account. Achha, ab ye bataye, ab ye uncleared hai, unpresented hai?
अच्छा देखिए, पहले यहाँ लिखा है कि पेड इन मतलब डिपॉजिट करवाए, ठीक है, और 2 days ago जो कि बैंक में क्रेडिट्स, और सेकंड यहाँ से पता चल रहा है हैड नॉट येट बीन क्रेडिटेड, कि जब हम बैंक में कैश या चेक डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट करता है उसको। तो ये हो गया अनक्लियर चेक 2503 पेड इन, और यहाँ नॉट येट क्रेडिटेड, तो इससे पता चल रहा है ये अनक्लियर चेक्स। अ चेक शी पेड इन लास्ट वीक फॉर इट हैज बीन डिसऑनर्ड। अच्छा ये चेक क्या था, पेड इन डिपॉजिट करवाया था जो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, रिटर्न हो गया। अब ये किस साइड पर आएगा? अच्छा बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा ना, हम रिकॉर्ड करेंगे तो अब ये बैंक अकाउंट में यहाँ पर डेबिट पे आएगा, क्रेडिट पे आएगा? समझाता हूँ, देखिए स्टार्ट से चलते हैं, स्टार्ट से समझा देता हूँ। हमने कस्टमर को गुड सेल की क्रेडिट पर, तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा अमाउंट यही वाला यूज कर लेते हैं 80। चलो 80 की हमने क्रेडिट सेल्स की। ओके अब क्वेश्चन बात, कस्टमर ने हमें पेमेंट की बाय चेक, डिपॉजिट करवाया, एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 80 से। ओके जब 2-3 दिन बाद पता चला कि कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं थे तो चेक आपका रिटर्न हो गया, डिसऑनर हो गया। आप क्या एंट्री बनाएंगे रिटर्न होने के बाद? देखिए देखिए जो हमने बैंक को डेबिट किया था तो बैंक को अब क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि अकाउंट में पैसे तो आए नहीं, तो बैंक को अब हम कर देते हैं क्रेडिट। और अभी जो कस्टमर है उससे हम दोबारा पैसे मांगेंगे कि भाई तुम्हारे चेक बाउंस हो गया, पैसे दो ना, तो हमारे रिसीवेबल क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। रिसीवेबल इंक्रीज हो जाएंगे तो डेबिट पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी डबल एंट्री होगी डिसऑनर चेक की, ठीक है। तो ये इसकी एक डबल एंट्री बनती है डिसऑनर चेक की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। सबमिट के टाइम पर बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट, यहां इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे डिसऑनर चेक के नाम से लिख लेंगे, ठीक है, डिसऑनर चेक। क्लियर? तो ये एंट्री याद रखिएगा, ये आगे भी एक टॉपिक है हमारा कंट्रोल अकाउंट का, वहां यूज होगा, सही। तो इसके बाद कंप्लीट हो गया, ठीक है, बैलेंस करते हैं हम 2357, 2357 माइनस करें क्रेडिट साइड 2154 आ जाएगा इसका एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक अकाउंट। और अभी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस का भी सम कर लें तो ये भी आ जाएगा 2154। ये दोनों बैलेंस हमारे रिकनसाइल्ड हो गए, एडजस्ट हो गए। कॉपी कर लें,